बाबू भाई, ये यहाँ पे जो प्रॉब्लम हुआ था, आपको यहाँ पे फोन आया था, आपने सोशल मीडिया पे थे, उसके लिए आपने क्या किया था? देखो, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि ये दिनियात मस्जिद का जो गेट है, यहाँ पे हर साल पानी भरता है और इस बार कुछ ज़्यादा पानी भर गया, कुछ ज़्यादा बारिश हुई जिसके लिए पानी ज़्यादा भर गया, जिसकी वजह से गुलफाम नाम की एक आईडी से, जो मेरे मोहल्ले का लड़का है, उसकी आईडी से फेसबुक पे मैंने उस चीज़ को देखा और मैं आते जाते भी देखता था। एक दो बार हम लोग सफाई के लिए जो है आदमी लोग को, कॉरपोरेशन के आदमी लोग को भी बोले, लेकिन उधर से कोई सुनवाई नहीं हुई और कुछ काम नहीं हुआ। जिसको लग के फेसबुक पे जब मामला ये चलने लगा सोशल मीडिया पे, तो आसिम रेती जो है उनका मुझको फ़ोन आया कि यार बाबू भाई, उधर पे जो सोशल मीडिया पे जो मामला दिख रहा है, वो उसको जो है उसको अपने को काम करा के लेने गए, तो तुम और मैं अपन दोनों मिलके उसको करा के लेते हैं। तो मैं बोला यार बहुत अच्छी बात है, मस्जिद के गेट का मामला है और हर साल यहाँ पे जो है तकलीफ होती है, तकलीफ को अपने को दूर करना है। कॉरपोरेशन और महानगर पालिका के जो कर्मचारी काम करने वाले, वो बराबर सफाई करते नहीं है और आते भी नहीं है, तो वो हिसाब से हम लोग दोनों ने मिलकर जो है इस गटर के काम को प्राइवेट आदमी लगाकर अपने निजी पैसे से इसको कराने का काम अंजाम दिया। आज पहला दिन है और इस काम को 5 दिन जाएगा। यहाँ से लेकर मस्जिद का आगे वाला जो गेट है, जहाँ नाले में से रास्ता जाता है, वहाँ भी पानी भरता है और ये दिनियात मस्जिद का जो गेट है, यहाँ भी पानी भरता है। तो आसिम भाई और मैं, हम लोग दोनों ने मिलकर और मोहल्ले के हमारे जो लड़के जो सोशल मीडिया पे जो इस चीज़ को डाले थे, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि चलो लोगों की आँख खोलने का काम, कोई तो आँख खोलने का काम कर रहा है, क्योंकि ये दिखना चाहिए था। यहाँ से लोग आते जाते हैं, देखते हैं, उनको दिखना चाहिए था कि ये काम किसकी जवाबदारी है, लेकिन चलो जिससे अल्लाह काम लेना चाहता है उसी से लेता है। और अल्लाह ने, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान हुआ कि हम लोग दोनों को अल्लाह ताला ने उस लायक समझा, हम लोग दोनों ने ये काम करा के दिया और आगे भी जो काम रहेगा इंशाल्लाह हम लोग करा के देंगे। तो आसिम भाई, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? यहाँ पे जो आपने सोशल मीडिया के माध्यम से जो वीडियो वायरल हुई थी, उसके बाद में आपने यहाँ पे सफाई का काम चालू किया था, उसकी में आपकी क्या राय है? भाई, मैं तो रहमतपुर में 1 साल से आज काम कर रहा हूँ और वीडियो देख के फिर मैंने बाबू भाई को कॉल किया, क्योंकि ये मस्जिद का मामला है भाई, ये किसी एक का पर्सनल मामला नहीं था, पूरे नमाजियों को तकलीफ थी और आने जाने वाले लेडीज लोग को भी बहुत तकलीफ थी। तो मैं जब आके रात में देखा ये चीज़ तो मुझे बहुत ख़राब लगा और मैंने आज आदमी लगाया है और एक हफ्ता तक इंशाल्लाह ये पूरा काम नाले तक की जो गटर है उसको क्लियर कर देंगे और काम से अपने को भाई लगाओ, काम जहाँ दिखता हो। मतलब ये था, यहाँ पर हर साल ईद, बकरीद, कुर्बानी या कुछ भी दवा होवे के लिए कोई भी आता जाता है तो रास्ता पूरा ब्लॉक हो जाता है, पानी भर जाता है, कीचड़ ही कीचड़ रहता है। तो यहाँ बड़े बुजुर्ग लोग को बोलो, वो लोग ध्यान देते नहीं है, ना किसी की सुनते है, ऐसी पानी भरता है, फिर 4 महीने बाद खाली हो जाता है, फिर जाके सब अपने घर पे सो जाते हैं, किसी को कुछ होश ही नहीं है। तो हम लोग सोशल मीडिया पे इसकी वीडियो डाले, बहुत लोग को बोले, फिर ये बाबू भाई, आसिम भाई, सब सालिम भाई, सब लोग आके काम करवाए हैं। देखो इतना कचरा निकला है वहाँ पर। भाई, यहाँ पर ईद के दिन बहुत बारिश हुई, पानी भरा, जिससे मतलब पूरे मोहल्ले वाले लोग को दिख रहा था, जो मोहल्ले के नगर सेवक थे उनको भी दिख रहा था, लेकिन यहाँ कुछ साफ सफाई नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद हम लोग को बहुत गुस्सा आया कि मतलब हमारी माँ बहनें, औरतें, मोहल्ले की जो भी है, वो सब ये पानी में से जा रहे थे। तो उस पर हमने एक वीडियो बनाया जिसमें से नमाज पढ़ के कुछ लोग आ रहे थे और लड्डन बाबा, वो भी पानी में से ही जा रहे थे, उनसे भी हमने वीडियो बनाए। उसके बाद भाई इतनी चीड़ पैदा हुई कि देख के कोई नहीं आया। उसके बाद फिर फेसबुक पे हम वीडियो डाले तो एक इंसान, शेख शफीक बाबू, ने हमको मैसेज किया कि 1 से 2 दिन में ये गटर हम बना देंगे। उसके बाद रास्ता किए रहमतपुर से आसिम भाई रहती, वो और बाबू भाई मिलके अपने पर्सनल पैसे से ये काम कर रहे हैं, कोई सरकार की निधि नहीं, कोई कारपोरेशन का पैसा नहीं, वो अपना जेब का पैसा लगा रहे हैं और ये पूरा पानी और पूरी गटर निकाल रहे हैं। और आज सुबह कारपोरेशन के आदमी साफ करके गए इसको, अगर वो साफ करके गए हैं तो इतना कचरा कैसे निकला भाई। और ये गटर अभी नवी बनी है फिर भी ये टूट गई भाई, और ये गटर अभी बनी है मस्जिद के सामने, ये गटर, और ये टूट जाती है, ये हर बार का है, टूट जाती है, इसमें मटेरियल सही जाता नहीं है। ये कब बनी है? ये अभी बनी है, ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है और ये टूट गई है भाई। भाई अगर इसकी क्वालिटी चेक नहीं हुई है, अगर ये सही होता तो इसका कॉन्ट्रेक्टर जो होता है उससे ये क्या होता है, कितने साल तक रहती गटर, ये सब उससे मालूमात लेनी चाहिए भाई। चौधरी कोचिंग क्लासेस भिवंडी की तरफ से इस साल 10वीं पास स्टूडेंट के लिए नीट स्कॉलरशिप का टेस्ट इस संडे यानी कि 17 जुलाई को मुनाकत किया जा रहा है। इस स्कॉलरशिप में पहले आने वाले 4 स्टूडेंट को फीस में स्कॉलरशिप दी जाएगी।
पहले दो स्टूडेंट को 90,000 की स्कॉलरशिप दी जाएगी और दूसरे तीसरे को 45,000 की स्कॉलरशिप दी जाएगी। जल्द से जल्द चौधरी कोचिंग क्लासेस के नंबर पर अपना नाम स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए रजिस्टर करें। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।